इस समय जो वर्तमान समय में पूरे देश में हड़कंप आया हुआ है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, जहां एक मंत्री तक सुरक्षित नहीं है, एमएलए सुरक्षित नहीं है, और उनके वो अपने हक में लीगल अपील करते हैं, उस पर रिप्लाई नहीं आता, इस पर क्या कहेंगे? इस देश में दो विचारधाराएं, एक मनुवाद, एक अंबेडकरवाद। मनुवाद की में भी कही आती है, अंबेडकरवाद में भी कही आती है। मनुवाद में पूंजीवाद हो गया, ठीक है, और असमानता का हो गया, बहुत सारे हो गए, तो उसमें हमने मनुवाद में कर दिया, इधर अंबेडकरवाद कर दिया। अंबेडकरवाद में बुद्धवाद आता है, मानवतावाद आता है, नैतिकतावाद आता है, ये आते। अब दो विचारधाराएं हैं, कुछ लोग उधर विचारधारा में हैं, कुछ लोग इधर विचारधारा में हैं। उधर चंद लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो पूंजीवाद हैं, वो देश पर काबिज हैं, वो सत्ताधारी लोग हैं। इधर जो लोग हैं वो देश के निर्माणकर्ता हैं, देश के देश को अच्छा रखने के लिए, देश को ऊंचा बनाने के लिए और देश में समानता लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा पक्ष वो अनपढ़ भी है, क्योंकि उनमें ज्यादातर अनपढ़ हैं, और जैसे वो उनके दादा परदादा, उनके पर जितनी कई पीढ़ियां थी वो आज भी वैसे हैं। इधर की विचारधारा बहुत नीचे थी, लेकिन अंबेडकरवाद जैसी उन्हें मिला तो आज वहां पहुंच गई, यहां पहुंची, तो ये बात मनुवाद को बुरी लगती है। उसमें से कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो चतुर हैं, जो अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, मूर्ख और अनपढ़ हैं, उनमें क्या बनते हैं? तांत्रिक बनते हैं, बाबा बनते हैं, जो अपनी संस्कृति को ढोने का प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। अंबेडकर विचारधारा में हर व्यक्ति बुद्धिमान है, अनपढ़ आदमी भी न्याय की बात करेगा, अनपढ़ आदमी भी समानता की बात करेगा, उधर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे आईआरएस हो, आईआरएस होने के बाद भी मूर्खता की बात करेगा, जैसे कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। अरे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वहां के डॉलर पे तो है नहीं, डॉलर क्यों मजबूत है? उधर का आदमी पढ़ा लिखा आईआरएस और मूर्ख दोनों एक बात। लेकिन सर राजेंद्र पाल गौतम जी उसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, ये बड़ा बड़ा प्रश्न है। ये उनका अपना स्टैंड है, तो वो क्या स्टैंड आगे लेंगे और अभी तक क्या उनका लिया है। हम उनके इस सपोर्ट पे आए हैं कि वो मेरे धर्म के हैं, मेरी समाज के हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। अगर कोई उनको मारने की बात करेगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो किसके साथ खड़े हैं वो खुद निर्णय देंगे। बुद्धिज्म में जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। देखिए जहां पर कहते हैं ना कि कोई भी सदियों पुरानी दास्तां है, उसको धीरे 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 मिटाया जा रहा है। 70 साल में 50% खत्म हो गई, और उसको पूरा 100% होने के लिए भी 70 साल और लगेगा। जो हमारे जैसे कितने नौजवान इस मिशन में काम कर रहे हैं, और वो इस चीज को, मैं अभी मैंने 50 साल बोला, 50 भी नहीं, मात्र 10 साल में खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे जैसे अभी कितने लोग और जागरूक हो गए, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो मैं बता रहा था कि उधर पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी उनकी एक विचारधारा है, पढ़ा लिखा अनपढ़ की बात करता है और अनपढ़ पढ़े लिखे की हाँ करता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, और पढ़ा लिखा अनपढ़ के लिए कहता है। जो बुद्धिज्म का जो लोग डंका बजाने लगते हैं, वो भी जब उनको अपने बच्चों की शादी करनी है तो फिर वहां पर ढूंढते हैं कि जाटव से बुद्धिज्म बनाए या वाल्मीकि से, खटिक से, किस जाति से बनाए, ये कौन सा तरीका है? देखिए जब बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया तो पत्रकारों ने ऐसे ही पूछा जैसे आप पूछ रहे हैं कि बुद्धिज्म क्यों अपनाया, तो बाबा साहब ने कहा था उदाहरण देकर कि जिस तरह नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं समुद्र में मिलकर, ऐसे ही बौद्ध धर्म में जातियां अपना अस्तित्व खो देती हैं बौद्ध बनकर। लेकिन हम लोग जातियों से बंधे लोग हैं, और जातियों से बंधे लोग जो पढ़ लिख गए, बाबा साहब की बात मान गए, तो उन्होंने तो पहले ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जाति खत्म कर दी। अब जो मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, मुझसे कहता है या मुझे देखता है, तो वो कहता है मैं किसी का जीजा हूं, मैं किसी का साला हूं। जब वो दोनों मुझे देखते हैं कि हमारे जीजा ने तो ये वो नहीं मानते, मुझे डांटेंगे। उधर मेरा साला, मेरे बहनों ही कहते हैं कि यार बड़े भाई ऐसा कर रहे हैं, डांटेंगे हमें, तो वो करते हैं। तो वो मुझे, ये मैंने उदाहरण दिया है आपको, वो मुझे देखने के अलावा, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने बुद्धिज्म को नहीं पढ़ा, वो मुझे देख के अंबेडकरवादी बनने हैं। उन्होंने सिर्फ फोटो लगा ली अपने घर में ताकि मैं उनके घर जाऊं तो ये ना कहें कि रिश्तेदार हैं, डांट पड़ जाए। लेकिन जो अंदर के संस्कार हैं वो उन्होंने नहीं बदले हैं। उनकी बेटे बेटियों की शादियां, वो साथ अपनी समस्याएं एक दूसरे से शेयर करने लग जाएंगे, उस दिन हम खाना खाने भी साथ लग जाएंगे, और जिस दिन हम साथ खाना खाने लग जाएंगे उस दिन हम रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर लेंगे, और जिस दिन रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो जाएगा उस दिन इस देश से शूद्रों की जातियां खत्म हो जाएंगी। शशि जी मेरा एक सवाल है, जो हम लोग बहुजन मीडिया जो चला रहे हैं, मैं भी हूँ, ये लोग भी हैं,
और कम से कम दिल्ली में 50 होंगे। जब मैं उनके एपिसोड देखता हूँ तो हर एपिसोड में चमार जाट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग? देखिए फिर बुद्धिज्म कैसे पैदा होगा? देखिए आप बार बार जब रिपीट करेंगे जाति को तो जाति मजबूत होगी उससे। तो देखिए बिल्कुल जाति मजबूत होगी, और जिस व्यक्ति को जो बीमारी होती है उसे दूर करने के लिए उसी को दवाई लेनी पड़ती है। जो जातिगत पीड़ित है वही कहेगा कि मुझे ये जाति छोड़नी है, और जिसको कोई उत्पीड़न ही नहीं है। उत्पीड़न भी दो तरह का होता है, एक सम्मान का और एक आर्थिक, और बहुत सारे होते हैं। अब आर्थिक में तो लगभग सभी गरीब हैं, लेकिन मेरा मान सम्मान है, और मेरा मान सम्मान थोड़ी भी चोट पहुंची तो आदमी को लगता है यार मुझे जाति सूचक कह दिया तो मेरे समान चोट लगी, तो उसको दर्द होगा, वो छोड़ने की बात करेगा। जिसको दर्द ही नहीं हो रहा है, जिसे पता ही नहीं है मान सम्मान क्या है, वो क्या छोड़ने की बात करेगा। और ये जातिगत पत्रकारिता पे मैं कहूँ तो देखिए पत्रकारिता में एक सवाल पूछा जाता है, आदमी को उकसाया जाता है कि वो क्या बोले क्या निकाले, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग पूछते हो वो उकसाने के लिए अच्छे जवाब अंदर की जो बातें पूछते नहीं बाकायदा है। जो जो भोजन मीडिया है क्या यूट्यूब मीडिया है ना कि नेशनल मीडिया है, वहां पर जो एक अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर एक पोस्टर जो बनाया जाता है, जो लाइन हेडिंग जो लिखी जाती है चार शब्दों की, वहां पर हर चौथी वीडियो पे आपको देखने को मिलता। देखिए वो सरासर गलत है, लेकिन वीडियो को एट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी बात को कोई दूसरा कह दे तो हम उस पर FIR करते हैं। yes, हम एसटी एक्ट लगाने के लिए बात करते हैं, लेकिन जब हम ही आपस में दूसरे को एक करते हैं तो वहां हम क्यों नहीं करते? इसलिए हमें ये भी बात खत्म करनी होगी कि उनकी वो उसी भाषा में और हमारी उसी भाषा में प्रयोग करने में हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहता, इसलिए हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। सर कभी कभी मैंने देखा है, मैं लगभग 45 साल से बहुजन मूवमेंट में हूँ, स्कूल चाइल्डहुड टाइम से, कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग आते हैं बहुजन लीडर्स खास तौर से आक्रामक वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चंद्रशेखर ने किया गर्व से कहो जाटव चमार वाल्मीकि, ये ये कहाँ तक जायज है, कैसे लगता है? आप भी एक बुद्धिजीवी है, कहाँ तक जायज है ये सब? देखिए जाति का गर्व करना सबसे बेकार बात है, ये बाबा साहब जाति का विनाश पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं, और जाति के अपने नाम के पीछे जातिगत टाइटल लगाना भी अपराध है, ये बाबा साहब कह रहे हैं। अब कोई आदमी इनको लगाता है और आप उसे अपना नेता भी मानते हैं तो ये मूर्खता उसकी नहीं है, ये मूर्खता आपकी है कि आप उसको जातिगत होते हुए भी अपना नेता मान रहे हैं। इस पर विचार आपको करना होगा, नेता को नहीं, क्योंकि नेता दो तरह के होते हैं। एक नेता होता है अपने व्यक्ति के जात के लिए काम करता है समाज में, एक करता है समाज के लिए। जो व्यक्ति समाज के लिए काम करते हैं उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, उनका उद्देश्य महापुरुषों का और समाज के हित का उद्देश्य होता है, और जिनका अपना नैतिक अपना स्वार्थ होता है वो अपना स्वार्थ दिखाते हुए लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्टिव शब्द देते हैं, मारने मरने की बात करते हैं, असंवैधानिक जितने भी कार्य हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, नेता बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए समाज के लोगों को नेता पहचानना होगा कि किस कौन नेता कौन सामाजिक कार्यकर्ता समाज हित में है और अपने हित में है, कौन अपने हित में है। समाज को काशीराम जी कहते हैं जिस समाज के नौजवान कुर्बानी नहीं देते वो समाज बहुत जल्दी मिट जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन एक बात और भी है कि समाज के व्यक्ति जो समाज के लिए कुर्बानी दे रहे हैं उनकी कुर्बानी का पूरा पूरा फल मिलना चाहिए, यानी उनकी कुर्बानी जायज नहीं जानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना घर छोड़ा, अपना घर छोड़कर दिन रात काम कर रहे हैं, उसमें यूट्यूबर्स भी आते हैं, उसमें चैनल्स वाले भी आते हैं यूट्यूबर्स, वो व्यक्ति भी समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो समाज को उनके हित के देखते लिए आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, और उनको भी ये देखना चाहिए कि हमें समाज में निष्पक्ष खड़े होना चाहिए। इसलिए समाज बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने अपनी राय रखा है, बहुजन समाज के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शशि जी, गाने के माध्यम से भी बहुत बहुत साधुवाद आपको। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें।
आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूल। मैं गौतम रत्ना, आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।